कॉल आ चुका है और बुर्ज खलीफा हमारे सामने है। इस स्ट्रीट पे रात में आने का नज़ारा ही कुछ और ही होता है। ये जितने दरख्त वगैरह आप देख रहे हैं इस पे बहुत खूबसूरती से लाइटिंग की गई है और पूरी स्ट्रीट पूरा रोड ये एक सितारों की तरह जगमगा रहा होता है। ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप इस वक्त ये मेट्रो से होता हुआ और दुबई मॉल के अंदर जा रहा है। पूरा ट्रैक बहुत लंबा ट्रैक है। ये हमारे साथ हैं आसिफ, जिनका बचपन गुजरा है यहाँ पे पूरा। इनके सामने ही दुबई आबाद हुआ है तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या बताएंगे आप इस एरिया के बारे में। आए थे यहाँ पे, ये एरिया यहाँ पे पूरा डेजर्ट होता था। शेख जायद रोड पे गिनती की 5 बिल्डिंगें थी। सबसे पहले टोयोटा वाली बिल्डिंग थी, शेख राशिद बिल्डिंग कहलाती थी। वो एक ट्रेड सेंटर था और ट्रेड सेंटर के बराबर में उसके 2-3 बिल्डिंग थी बस। इन 20-25 सालों में आज देखो तो भाई शेख जायद रोड कहाँ से कहाँ बन गई। ये अभी हम लोग बुर्ज खलीफा के एरिया में हैं। यानी जैसे जैसे आप बड़े होते गए बिल्डिंग्स भी बढ़ती गई और बड़ी भी होती गई, आसमानों को छूती गई। यूएई जो है इन 25 सालों में इतना डेवलप हो गया है कि दुनिया की हर एक यूनिक चीज़ इधर है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी से पूछ लो दुबई में, सबको मालूम है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब, यहाँ पे 7-स्टार होटल है। यहाँ का पाम ट्री है। यहाँ पे कानून का तो कोई डाउट नहीं है, कानून यहाँ पे स्ट्रिक है। जब भी यहाँ पे कोई लोग ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं करता। पब्लिक के लिए है, अगर पब्लिक के लिए एक जगह बनाई हुई है रोड क्रॉस करने के लिए, या तो ब्रिज बनाया हुआ है या तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है। उसके अलावा अगर पब्लिक क्रॉस करेगी तो उनको फाइन है। फिर जगह है उनके लिए रोड क्रॉस करने के लिए। इसीलिए ये सेफेस्ट सिटी भी कहलाया जाता है कि यहाँ पे कोई भी कानून तोड़ नहीं सकता है। कानून की वायलेशन करते हुए हर शख्स फरमाया। तो टेक्नोलॉजी की बात है, नो डाउट। दुबई ऐसा मुल्क है, यहाँ पे यहाँ की पुलिस ऐसी है कि सेकंडों में पकड़ लेती है कुछ क्राइम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में अभी तक कुछ हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया के बहुत कम ममालिक में इस तरह होता है कि ज़ीरो क्राइम हो। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं बुर्ज अल अरब की तरफ। ये क्रॉस कर लिए हम लोगों ने, अभी हम लोग अल वसल बिजनेस वे पे चढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी डाउन टाउन ख़त्म कर लिया। डाउन टाउन से हम लोग निकल रहे हैं वापस बुर्ज खलीफा देख लेंगे। ये एड्रेस होटल है साथ में इसके। अच्छा, अभी आपको कुछ कैमराज दिखाएंगे। एक तो ये लगा हुआ है सामने, अगर आपको नजर आ रहा है, एक ये कैमरा लगा हुआ है, देख रहे होंगे आप, सिग्नल की तरह होते हैं। और
अभी अगर कुछ कैमराज आते हैं, करीब आते हैं, सही तरह से वो दिखाते हैं कि अगर ट्रैफिक की कोई वायलेशन होती है तो उन कैमराज के थ्रू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। कुछ कैमराज फुल शो हैं जो कि रोड के बीचों बीच और साइडों में लगे हैं, जो कि नज़र आ जाते हैं, जिनका लोगों को मालूम भी होता है अक्सर। और कुछ हिडन कैमराज भी लगते हैं जो कि किसी को मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा एहतियात करते हैं ताकि कोई गलती ना होने पाए। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लोग जब कैमरा आता है तो एहतियात करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही कैमरा गुजरता है तो फिर कोई ना कोई गलती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ हिडन कैमराज होते हैं जिनकी वजह से एक डर रहता है लोगों के जहनों में, और फिर वो ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। ये जो पिलर टाइप की, अम्ब्रेला टाइप की एक चीज़ देख रहे हैं आप, मतलब ये यहाँ की अरबियन स्कूल की निशानी होती है। हर अरबी स्कूल में ये बना हुआ होता है। यहाँ से भी शेख जैद रोड का नज़ारा देख सकते हैं। शुरू हो चुका है और ये जो सामने एक खूबसूरत सी मस्जिद देख रहे हैं, ये अंदर से भी बेहद खूबसूरत है। और ये से दो मस्जिद सेम एक जैसी बनी हुई है, ये दो मस्जिद सेम टू सेम एक जैसी बनी हुई है एक ही लाइन में, एक वो पीछे गई है और एक भी आगे आ गई है।
आज वेव्स काफ़ी तेज़ हैं और ये यहाँ पे रेड फ्लैग लगाया भाई इस चीज़ की निशानी, और ये इन्होंने बॉर्डर लाइन भी बनाई हुई है क्योंकि जिस वक्त वेव्स तेज़ होती हैं उस टाइम ये लोग इस तरह से बॉर्डर लाइन लगा कर और सिर्फ एक मखसूस एरिया में ही स्विमिंग की इजाज़त देते हैं कि जहाँ तक गार्ड्स उनको कवर कर सके। तो जितने एरिया में ये बॉर्डर्स बनाया गया होता है उस एरिया में तमाम आपके लाइफ गार्ड्स खड़े हुए होते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए ये बॉर्डर लाइन और रेड फ्लैग लगाया जाता है ताकि तमाम लोगों को मालूम रहे कि इस हदूद के अंदर ही रहना है आपने। एक जगह है साए में बैठने के लिए, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं या साए समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिए ये है वाईफाई का इधर पे आपको पूरे साहिली समंदर का नज़ारा मिल जाता है। पार्किंग मीटर हैं जो सोलर से चलते हैं, इसमें कॉइन्स डाले जाते हैं, जितने भी घंटे की आपको पार्किंग डालनी है इसमें डालने के बाद यहाँ से टिकट आपके पास आ जाता है।